नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस बुलेटिन में आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़ राउंडअप पर। बताएंगे कुछ बड़ी खबरें और शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से हेल्थ फेडरेशन मिला। दरअसल एस्मा लागू होने पर भी ज्वाइन न करने वालों पर कार्रवाई, ज्वाइनिंग न करने वाले अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई को लेकर जानकारी मिल रही है। दरअसल हेल्थ फेडरेशन के प्रदेश संयोजक की मांग है, कानूनी कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया गया और गृह विभाग ने एस्मा के तहत कार्रवाई की बात कही है। दरअसल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से हेल्थ फेडरेशन का एक दल आकर मिला, जिसमें कुछ उनके प्रतिनिधि शामिल थे। एस्मा लागू किए जाने पर भी ज्वाइन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के संबंध में ये डिटेल्स मिल रही हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हेल्थ फेडरेशन के प्रदेश संयोजक ने मांग की कार्रवाई को लेकर। दरअसल जो कार्रवाई हेल्थ फेडरेशन के द्वारा न किए जाने की मांग है, अब देखना होगा प्रशासन या सरकार की तरफ से इस पर क्या रुख रहता है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से हेल्थ फेडरेशन की मुलाकात और उम्मीद है कि एस्मा लागू होने पर भी ज्वाइन न करने वालों पर कार्रवाई को लेकर यहां पर सरकार कुछ विचार कर सकती है। ममता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ममता, मुलाकात में क्या बात हुई? हेल्थ जो वर्कर्स हैं वो लगातार हड़ताल पे थे अपनी मांगों को लेकर, नियमितीकरण और अन्य मांगे थी, और इस दौरान उनको हड़ताल से वापस लाने के लिए सरकार ने एस्मा लगा दिया था। लेकिन एस्मा के बाद भी जो लोग नहीं लौटे तो उसके चलते कार्य प्रभावित हुआ था। हालांकि उनकी बर्खास्तगी वापस, कुछ लोगों को बर्खास्त किया गया था, उनको उसको वापस भी लिया गया। अब इसको लेकर हेल्थ फेडरेशन ने गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि एस्मा के दौरान जो लोग नहीं लौटे, तो कायदे से अगर हम बात करें तो एस्मा के जो नियम है उसकी कॉपी उन्होंने दिखाई। उन्होंने कहा कि करीबन 3 साल की जेल की भी सजा है और चूंकि आवश्यक आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं में आता है उस समय जो का जो पीरियड है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो करीबन 50,000 तक का जुर्माना भी होता है। तो उन्होंने मांग की कि चूंकि मरीजों को दिक्कत होती है और ऐसे में जो है सख्त रवैया होना चाहिए। इस पर गृहमंत्री चूंकि जो लोग हड़ताल पे रहते हैं उनके लीडर्स जो बाकी लोगों को ज्वाइन करने से रोकते हैं, तो ये भी बात सामने आई कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते थे उन्हें रोका गया, तो इसी पर जो है अब कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। साथ ही उन अधिकारियों पर भी जो जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। ममता, बात बनेगी? जो लोग ज्वाइन करना चाहते थे क्या मिल रहे हैं, बात बन पाएगी क्या, सरकार इस पर विचार करेगी पुनर्विचार? देखिए, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि इसको संज्ञान में लिया जाएगा और जिन लोगों ने लापरवाही की है उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना ये है कि आश्वासन देना अलग बात होती है, मुलाकात करके ज्ञापन देना भी अलग बात होती है, लेकिन क्या वाकई इतनी सख्त जो है कार्रवाई की जा सकती है, देखने वाली बात है। लगभग कितने कर्मचारी जिन पर एस्मा के तहत कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पूरे प्रदेश के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए थे और उसके बाद में जो है एस्मा लगाया गया था। तो सवाल इस बात को लेकर ही है कि कितने हैं, उसका कोई डाटा जो है वो नहीं दिया गया। हाँ। लेकिन कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि जो लोग लौटना चाहते थे उन्हें भी नहीं लौटने दिया गया। तो और तो क्या हेल्थ फेडरेशन के बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल है जिन पर एक्शन हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ फेडरेशन ने ये मांग की है, जो लोग स्ट्राइक पे थे और जो लोग लीड कर रहे थे उन पर खासतौर पे कार्रवाई हो सकती थी। बिल्कुल, और ये एक बड़ा विषय ममता बनता जा रहा है, चूंकि ज्वाइनिंग न करने वाले अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब देखना होगा कि अभी गृहमंत्री इस पर, चूंकि गृह विभाग के अंतर्गत ये पूरा विषय आता है, आगे क्या गृहमंत्री फैसला लेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। ममता, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे और धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दोनर गांव में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या किए जाने का मामला, मामूली से विवाद में 3 आरोपियों ने चाकू मारकर एक शख्स की हत्या कर दी। दरअसल अपनी बुआ के घर दोनर ये शख्स गया हुआ था, रामा का रहने वाला ये मृतक त्रिलोक साहू बताया जा रहा है। अर्जुनी पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हत्या का मुख्य आरोपी नाबालिग है, सभी आरोपी दोनर के रहने वाले हैं और कम उम्र के हैं। आपसी विवाद में स्कूल के बाहर चाकू मारकर हत्या किए जाने का इन पर आरोप है और अर्जुनी थाना पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। और अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर है। अभिषेक, नाबालिग आरोपी है मुख्य? बिल्कुल आशीष, पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया है और उनमें से जो मुख्य आरोपी है वो कक्षा 9वीं का छात्र है। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि इतनी कम उम्र में जो लड़के हैं वो स्कूल में पढ़ाई उनका काम होता है, लेकिन ये जो युवक पकड़ा गया है वो कक्षा 9वीं का छात्र है और यही हत्या का मुख्य आरोपी से पुलिस ने बनाया है। इसके 3 और साथी हैं, वो भी काफी कम उम्र के हैं और अभी फिलहाल पुलिस उनके उम्र की तस्दीक कर रही है, डॉक्यूमेंट चेक कर रही है, उसके बाद डिक्लेयर किया जाएगा कि ये नाबालिग हैं या बालिग हैं। फिलहाल
हत्या के मामले में जो सभी चार आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस की कामयाबी, कुछ ही घंटों में पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली। दूसरी तरफ जिस युवक की हत्या, उसके परिवार में और गांव में काफी शोक का माहौल है, मातम है। स्वाभाविक है अभिषेक, कारण कुछ पता चल पाया कि ऐसा आखिर क्या हुआ कि नाबालिग ने चाकू चलाया और एक शख्स की हत्या कर दी और बाकी लोग उसका साथ दे रहे हैं? जी बिल्कुल, कारण स्पष्ट हो गया है। जो मृतक है वो अपने बुआ के घर आया था और उसमें रिश्ते का जो भांजा है वो वहीं स्कूल में डोनर में पढ़ता है, और उस जो पढ़ता है युवक भांजा, उसका गांव के कुछ लोगों से अक्सर विवाद हुआ करता था। तो ये बतौर बड़े भाई उसके साथ गया कि विवाद को समझूं और इसको मामले को सॉर्ट आउट करूं। तो जिनके साथ उसके भांजे का विवाद था वही वो युवक है जिनके साथ उसका भी विवाद हो गया, और वो हथियार लेकर साथ में थे और विवाद जो है मारपीट में बदल गई। इसी मारपीट के बीच वो मृतक त्रिलोक के ऊपर एक युवक ने चाकू चला दिया और उसकी मौत हो गई। बिल्कुल सोचने का विषय है अभिषेक, एक नौवीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा, इस तरह की मानसिकता और इस तरह की सोच आखिर कैसे ऐसे बच्चों में पनप रही है, बहुत ही चिंता का ये विषय है समाज के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। जांजगीर चांपा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जांजगीर तहसीलदार के साथ स्टाफ ने मारपीट की और मीटिंग के दौरान तहसील कार्यालय में जमकर मारपीट हो गई। अचानक चैंबर में हाथापाई शुरू हो गई, कर्मचारियों ने हालांकि बीच बचाव किया। बताया जा रहा है कि बजरंगलाल साहू, जांजगीर तहसीलदार सहायक ग्रेड 3 आशीष मालू ने मारपीट की और आरोपी आशीष के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। जांजगीर कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। दरअसल आरोपी की तलाश अभी की जा रही है, आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। बजरंगलाल साहू जांजगीर तहसीलदार हैं और उनके साथ मीटिंग के दौरान कुछ कहा सुनी हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई। तहसीलदार जांजगीर ने एक आवेदन दिया थाने में कि उनके ऑफिस का कर्मचारी है एक, जो उनके साथ अभद्रता जैसा व्यवहार किया और मारपीट किया है। उनकी रिपोर्ट पर थाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी खिलाफ 332-353 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ये किस समय की घटना है, क्या ऑफिशियल टाइम था, फिर कहाँ पर हुई थी? ये आज की ही घटना है और तहसील ऑफिस की घटना है और दोपहर के आसपास की घटना है। सर किस बात को लेकर विवाद हुआ, कुछ जानकारी? अभी ऐसा कुछ पता नहीं चला है, अन्वेषण के बाद पता चलेगा क्या मामला था, क्यों ऐसा हुआ है। और मुंगेली में दिव्यांग सेवा संघ के लोगों ने आज रैली निकाली। रैली का मकसद प्रशासन को चेतावनी देना था कि वो फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वालों पर कार्रवाई करें, और जिन दिव्यांगों को पास दिया गया, जिनकी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र उनके पास है, उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले। दरअसल पैदल मार्च में निकले दिव्यांगजनों को तहसीलदार और पुलिस ने ये समझाइश देकर कि वो अपना प्रदर्शन खत्म कर दें, जो भी उचित कार्रवाई होगी करके समझाया। और गरियाबंद के प्राथमिक स्कूल कुरुसकेरा में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों ने हंगामा कर दिया। बता दें कि स्कूल में 107 बच्चे हैं जिनको पढ़ाने के लिए केवल 2 शिक्षक हैं। स्कूल के प्रधान 6 महीने से प्रशासन के सामने अपनी मांग कर रहे थे, गुस्से में आकर छात्रों ने तालाबंदी का कदम उठाया। जब न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया तब कहीं जाकर सहायक BEO स्कूल पहुंचे और बच्चों की बात सुनी। उन्हें जब बच्चों की बात सुनने के लिए वहां बुलाया गया, न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद इस बात का असर हुआ और बच्चों ने अधिकारी से कहा कि शिक्षक की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। हमारे स्कूल में ताला लगा चुके हैं, हमको शिक्षक की बहुत जरूरी है। कितने शिक्षक हैं अभी? 2, एक प्रधान पाठक और एक शिक्षक है। क्या परेशानी हो रहा है? हमको पढ़ने में बहुत परेशानी जा रही है। अभी क्या चाहते हो आप लोग? हम अभी शिक्षक बहुत जल्द से जल्द नानी हमारे स्कूल में, हमको पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं कहता हूँ कि शासन प्रशासन यहाँ पर बैठे हुए तो किस लिए बैठे हुए हैं? यदि हमारे बच्चे के साथ, यदि जो देश के भविष्य को गढ़ने वाले बच्चे हैं जो प्राथमिक स्तर का, और हमारे प्राथमिक शाला में कम से कम। और कवर्धा में सरकार और बीमा कंपनी से परेशान किसानों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। बता दें कि किसानों का आरोप यह है कि बजाज कंपनी ने उनके उद्यानिकी फसलों का बीमा किया, जिसकी क्षतिपूर्ति का सर्वे पूरा होने के बाद भी अभी तक उनकी राशि का भुगतान नहीं हुआ।
इन्हीं वजहों से नाराज किसानों ने सरकार और बीमा कंपनियों के खिलाफ एक हफ्ते का अल्टीमेटम जारी किया है अपनी तरफ से, और हफ्ते भर में उनके खाते में अगर राशि नहीं आई तो किसान भूख हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं, जिस पर अधिकारियों ने पैसा दिलवाने का आश्वासन भी दिया है। कोरबा वार्ड के विकास काम न होने की वजह से पार्षद अजय गोंड भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पार्षद का यह कहना है कि वार्ड नंबर 32 में पिछले 3 साल से विकास कार्य नहीं किए गए। पार्षद ने निगम के अधिकारियों इससे जुड़े कई बार पत्र भी लिखे और जिनका जवाब तक नहीं आया। बता दें कि पार्षद के भूख हड़ताल को कोरबा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी लखनलाल दिवांगन का भी सहयोग मिला। लखनलाल दिवांगन ने सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। और कोरबा में व्यापारी पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में आज जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने प्रदर्शन किया और नाराज व्यापारियों का कहना था कि उनको पुलिस की तरह से पहले तो सुरक्षा मुहैया कराई जाए, पुलिस उन्हें सुरक्षा दे और फिर जिन लोगों ने बीते दिनों व्यापारी पर जानलेवा हमला किया उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, नहीं तो वे बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और कवर्धा में हुई झमाझम बारिश से जिलेवासियों को तेज गर्मी से राहत मिली है और जोरदार बारिश ने पूरे शहर को तर बतर कर दिया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं किसानों में भी इस बारिश से खुशी की लहर है। बारिश के बाद कवर्धा जिले का मौसम काफी सुहाना हो गया है। हालांकि तेज बारिश की वजह से सड़कों पर कुछ जगह जलभराव हो जाने से कुछ समस्या भी हुई, राहगीरों को आवागमन में परेशानी का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मौसम में आया बदलाव स्थानीय लोगों और किसानों के लिए काफी राहत लेकर आया। हालांकि काफी देर तक बारिश होने की वजह से रास्तों पर कई जगह पानी लग गया, जिससे लोगों को आने जाने में थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन उमस भरी गर्मी से यहां काफी राहत जिलेवासियों को मिली है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, अब नजर डालेंगे खबरों पर फटाफट अंदाज में। शुरुआत करते हैं खबरें 25 सेकंड्स की। महासमुंद में नशे के सौदागरों पर शिकंजा, 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार, 55 लाख का गांजा जब्त। गरियाबंद में छात्रों का हंगामा, स्कूल में की तालाबंदी, शिक्षकों के नियुक्ति की मांग। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, हॉस्टल में खराब खाना परोसे जाने से छात्र नाराज, खराब खाना दिए जाने से छात्र हुए बीमार। जगदलपुर के बकावंड में प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी, सूरजपुर के विश्रामपुर में भी 24 घंटे के भीतर 2 दोस्तों ने लगाया मौत को गले, गांव में पसरा हुआ था। सूरजपुर में एक शख्स ने की खुदकुशी, फांसी लगाकर दी जान, तफ्तीश में जुटी पुलिस। मुंगेली में दिव्यांगों की रैली, फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग, पुलिस के समझाने के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। कवर्धा में आदिवासी समाज का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर किया चक्काजाम। जगदलपुर में 3 दिनों की हड़ताल पर निगम कर्मचारी, ठेका प्रथा बंद किए जाने की मांग, मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। कोरबा में व्यापारी की पिटाई पर भड़के दुकानदार, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग। बीजेपी ने बनाया छत्तीसगढ़ जीतने का फुल प्रूफ प्लान, 30 सितंबर और 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा तय, बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई। जगदलपुर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारी तेज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लिया जायजा, बीजेपी प्रदेश प्रभारियों माथुर भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी बिलासपुर में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का किया शुभारंभ, हितग्राहियों को सौंपे स्वीकृति पत्र। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिलासपुर से रायपुर तक ट्रेन के स्लीपर कोच में किया सफर, यात्रा के दौरान आम लोगों से की बात, सीएम बघेल कुमारी शैलजा समेत दिग्गज नेता रहे साथ।
राहुल गांधी के बिलासपुर दौरे पर सरोज पांडे का तंज, कहा 16 लाख लोगों को भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में नहीं दिया आवास। इस पर जवाब दें राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान राहुल गांधी ने ट्रेन में किया सफर, बिलासपुर से पहुंचे रायपुर, सीएम भूपेश बघेल भी रहे साथ। छत्तीसगढ़ में एग्रेसिव मोड में आया लड़ा जाएगा चुनाव, जगदलपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बयान, कहा 90 विधानसभा सीटों में से 80 सीटों पर उम्मीदवार हो चुके हैं तय, जल्द होगी घोषणा। बलौदाबाजार पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक भी यात्रा में हुए शामिल। धमतरी में टिकट वितरण से पहले कांग्रेस में उठे बगावत के सुर, तीन बार की महिला विधायक को टिकट नहीं दिए जाने की मांग, कार्यकर्ताओं ने कहा बदला जाए कैंडिडेट। और खबरें आगे भी जारी रहेंगी, वक्त एक बहुत छोटे